हे गाइस, वेलकम टू इजाज़ ब्लॉग्स। तो जो सबसे पहली न्यूज़ आ रही है वारी कैरी मिनाटी की तरफ से। जैसे कि आप लोगों को पता है भाई, यूक्रेन वर्सेस रशिया के बीच जो है वॉर स्टार्ट हो चुकी है। तो होता कुछ ऐसा कि कैरी मिनाटी जब लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे तो वहां पर किसी ने कहा कि भाई रशिया वर्सेस यूक्रेन पर कुछ बोलो, तो उसी को लेकर कुछ बात हुई, आप लोग देख लो। भाई कुछ शब्द रशिया वर्सेस यूक्रेन के लिए, मेरे क्या शब्द रहेंगे भाई रशिया वर्सेस यूक्रेन के लिए। यहाँ पर कितने लोग रशिया से हैं जरा बताओगे मुझे? मैं ये बोलना चाहता था कि भाई क्यों बोलना चाहता मैं नहीं, मैं बता रहा हूँ कि मतलब हमारे कंट्री के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं ना, उनकी भी बात से मतलब नहीं है, तो हमारी बात से क्या ही मतलब होगा, समझ रहे हो? तो फिर हम क्या ही बोलेंगे, चुप ही रहते हैं, बेटर है। सब दर्जन में रहने वाले भी रशिया में हैं आज। ठीक है, वेरी गुड। अब सफदर जंग बोल रहा है, सब रशिया में हो तो ठीक है भाई, यूक्रेन में कौन है, यूक्रेन में कौन रह रहा है। वैसे इस कैरी मिनाटी को लेके एक और अपडेट है। अपडेट ये है कि भाई उनके नए वीडियो की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। उन्होंने अपने लाइव स्ट्रीम में कहा था, सबसे पहले आप लोग वो क्लिप देख लो भाई, अब जा रहे हैं भाई, मेरा कल शूट है। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कैरी मिनाटी के मैनेजर ने ये वाली फोटो अपलोड की है और कैप्शन में कहा शूट के बाद की फोटो। तो भाई शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये वाली फोटो जो कैरी मिनाटी ने अपलोड की है तो लगता है ये भी शूटिंग के समय की है। वैसे आगे बढ़ने से पहले आप लोग को कहना चाहता हूं, जो लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो लाइक, तोड़ दो लाइक बटन को। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, उस लाल वाले बटन को तोड़ दो और बेल आइकन पे दबा लेना। और हाँ, कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलना। वैसे गाइस शूटिंग को लेकर बात निकली है तो चलिए चलते हैं बीबीके वाइन सैनी के भुवन बाम की तरफ। तो भाई भुवन बाम की भी शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ, अब वो कौन सा शूट कर रहे हैं उन्होंने बताया तो नहीं, लेकिन फोटो अपलोड करते हुए कहा न्यू डे न्यू शूट न्यू लुक। गाइस अगली जो न्यूज़ आ रही है हमारी फ्लाइंग बीस्ट की तरफ से, तो भाई फ्लाइंग बीस्ट वो मिले शिल्पा शेट्टी से। जी हाँ, दरअसल शिल्पा शेट्टी उनका जो है न्यू शो आ रहा है शेप ऑफ यू, जहाँ पर जो है इंडियन सेलिब्रिटीज को बुलाया जाएगा और उनसे बात की जाएगी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के बारे में। तो इसी वजह से फ्लाइंग बीस्ट, जी हाँ, उन्हें भी बुलाया गया था। यहाँ पर फ्लाइंग बीस्ट ने पोस्ट अपलोड करते हुए कहा जस्ट रैप अप इंटरेस्टिंग इंटरव्यू एपिसोड विद शिल्पा शेट्टी फॉर हर न्यू शो। तो जी हाँ भाई, उस एपिसोड में फ्लाइंग बीस्ट वो भी आने वाले हैं। एंड जब शिल्पा शेट्टी एंड फ्लाइंग बीस्ट मिले तो उस समय का एक छोटा सा वीडियो है, आप लोग देख लो। गजगली जो न्यूज आ रही है सौरव जोशी व्लॉग्स की तरफ से। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सौरव जोशी की तरफ से क्यू एन ए वीडियो आने वाला है, फाइनली वो आ चुका है। तो आइए उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्लिप्स देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहली क्लिप जहां पर किसी ने क्वेश्चन किया उनकी इनकम को लेके, यूट्यूब से भाई कितना कमाते हो, उस पर सौरव जोशी ने कुछ ये कहा, प्लीज ब्रो जवाब देना आपकी एक महीने की यूट्यूब इनकम कितनी है। तो मैं मतलब अप्रोक्स बता सकता हूँ क्योंकि YouTube गाइडलाइन के खिलाफ है। मेरे 13 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं, हर वीडियो पे ऑलमोस्ट 5 मिलियन व्यूज आ जाते हैं मेरे, और डेली वीडियो डालता हूँ। तो मेरी कितनी अर्निंग होगी? मेरी इतनी अर्निंग है कि मैं कि गाइस हम मार्स पे एक लैंड ले सकते हैं। यहाँ गाइस आपने सही सुना, हम जल्दी ही मार्स पे शिफ्ट होने वाले हैं और आपको वहाँ के एलियन से मिलाएंगे। वैसे अगला किसी ने क्वेश्चन ये भी किया था कि भाई व्लॉग में सक्सेस होने के लिए क्या करें। वहाँ पर सौरव जोशी ने कहा कि जो न्यू व्लॉगर्स आ रहे हैं वो एग्जैक्टली मेरी कॉपी कर रहे हैं, जबकि उन्हें अपना करना चाहिए। व्लॉग में सक्सेस होने के लिए क्या करें? कुछ यूनिक करो। मतलब मैंने देखा है यूजली जो नए नए ब्लॉगर्स आ रहे हैं वो मेरी तरह व्लॉग्स बना रहे हैं, सेम सिंपल व्लॉग्स मेरे को कॉपी कर रहे हैं। मतलब इवन जो चीज जिस तरह से मैं खा रहा हूँ, जिस तरह से मैं बिल्कुल सेम वही कर रहे हैं अपने फैमिली के साथ में, सेम वैसे, चाहे रियल में वैसे नहीं होंगे तो मेरे को लोग देखते हैं बिकॉज मैं स्टार्टिंग से वैसा ही हूँ। अगर आप वो चीज़ कॉपी करोगे सेम करोगे तो वो आपको नहीं देखेंगे। तो आप जैसे हो ना, रियलिटी दिखाओ, जैसे आप हो वैसे व्लॉगिंग करो, अपनी लाइफस्टाइल सेम वैसी दिखाओ, आपको अपनी ऑडियंस मिल जाएगी, अपनी तरह की ऑडियंस जो आपको देखना चाहती है, आपकी लाइफस्टाइल को देखना चाहती है। वैसे गाइस एक और क्वेश्चन किसी ने ये कहा कि पीयूष एंड कुनाली में आप किसको चॉइस करोगे कंटेंट के लिए, उस पर सौरव जोशी ने कहा कि मैं उन्हें जबरदस्ती नहीं लाता व्लॉग में कि तुम्हें ये बोलना है ये बोलना है, वो लोग व्लॉग में जो कुछ भी बोलते हैं वो खुद से आके बोलते हैं, मैं उन्हें जबरदस्ती नहीं करता। भाई यार, साहिल भाई को भी ले लिया करो वीडियो में, भाई मैं कोई देखो जबरदस्ती तो ले नहीं सकता। इफ यू हैव चॉइस टू चूज पीयूष और कुनाली होम यू चूज फॉर कॉन्टेंट, गाइज ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं कोई जबरदस्ती थोड़ा ना बोलता हूँ इनको कि तुम मेरी वीडियो में आओ मुझे कॉन्टेंट दो। मतलब ये आते हैं खुद, ऐसा कुछ नहीं है, खुद ही बोलता है। मैं कुछ जबरदस्ती मुंह पे कैमरा लगा के तू बोल। गाइज अगली जो नजारी वाली थारा भाई जोगिंदर की तरफ से, तो भाई थारा भाई जोगिंदर उन्होंने स्टोरी अपलोड करते हुए कहा कमिंग सून बिग सरप्राइज, यूट्यूब पर धमाका होने वाला है, प्यार और सपोर्ट करना। तो भाई पता नहीं अब क्या लाने वाले हैं थारा भाई जोगिंदर। वैसे थारा भाई जोगिंदर वो ट्विटर पे भी आ चुके हैं। गाइज अगली जो नजारी वाली थगेश की तरफ से, तो भाई होता कुछ ऐसा है कि थगेश को किसी ने कमेंट करते हुए कहा भाई वीडियो की क्वालिटी थोड़ा कम करो, ऐसा लग रहा है कि कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर की वीडियो देख रहे हैं। तो उस पर थगेश का कुछ ये रिस्पांस था, एज अ यूट्यूबर हम लोग बहुत मेहनत करते हैं एंड बहुत ट्राई करते हैं कि वीडियो की क्वालिटी अच्छी रहे, साउंड अच्छा रहे एंड लोगों को पसंद आए, एंड काफी लोगों को पसंद आता है, अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं। बट कुछ कमेंट जैसे आते हैं ना भाई, सच्ची में ऐसे कमेंट्स आते हैं एंड ऐसे कमेंट्स देखकर ना मुझे मेरे अस्तित्व पर प्रश्न उठने लगते हैं कि
ये यही रिएक्शन हो गाइस। अगली जो नजर ये वाली मुनव्वर फारूकी की तरफ से, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि भाई मुनव्वर फारूकी वो जो है कंगना रनौत के शो में आने वाले हैं जिसका नाम है लॉकअप। तो भाई जैसी ये न्यूज लोगों को पता चली तो कई लोग जो है नाराज हो गए मुनव्वर फारूकी से कि तू कंगना के शो में क्यों जा रहा है, एंड उसको लेके उनको काफी हेट भी आ रहा था। तो उसी को लेके उन्होंने पोस्ट अपलोड करते हुए कहा, मेरे सभी फ्रेंड्स फैंस एंड फॉलोअर्स से रिक्वेस्ट है, अगर तुम किसी को भी देख रहे हो जो किसी चीज पर अपना ओपिनियन दे रहे हैं तो उनके साथ आर्ग्यूमेंट मत करो, ना ही उन्हें अब्यूज करो। जो भी समझाना है सही तरीके से उन्हें समझाओ, उनका राइट है वो करना। आई नो कुछ लोग हर्ट हुए हैं, डिसअपॉइंट हुए हैं, बट प्लीज एट द एंड इंटरनेट को आर्ग्यूमेंट और हेट के लिए ना बनाओ, उन्हें क्रिटिसाइज करने दो, मुझे एंटरटेनमेंट करने दो, मेरा काम आप लोग को एंटरटेन करना है। गाइस अगली जो नजारी है अमित भड़ाना की तरफ से, तो भाई अमित भड़ाना वो भी जो है Q&A कर रहे थे इंस्टाग्राम पे, जहां पर किसी ने क्वेश्चन किया सर नेक्स्ट टाइम ऐसे ही वीडियो लाना, यहां पर जो है LLB के बारे में बात हो रही है। उस पर अमित भड़ाना ने कहा अब सब मास्टरपीस ही आएगी। फिर किसी ने कहा कितना किलो कम हो गया वेट, उन्होंने कहा 95 था 77 है, 72 करना है नेक्स्ट वीडियो के लिए। ऑल्सो किसी ने ये क्वेश्चन किया इसके पार्ट और आना चाहिए, एक्साइटेड हूँ। तो अमित भड़ाना ने कहा अब सीधा सीजन 2 आएगा, पता नहीं कब, लेकिन इसके बाद एक से एक चीज है लाइनअप में, जल्दी ही शेयर करूंगा आपके साथ। तो भाई अमित भड़ाना की तरफ से सीजन 2 भी आने वाला है, अब देखते भाई वो कब तक आता है। सो बस गाइस आज का वीडियो यही पर खत्म होता है, पसंद है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ये रही आईडी, मिलते हैं अच्छी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, स्लैप।